বাহে বাহে গুরু বাহে গুরু দণ্ডত বন্দন সর্ব কলা সমরথ ডোলনতে ডোলনতে রাখো প্রভু নানক দে নানক দে নানক দে কর হাত হাম সরদি দয়াল না তুম সর আব পতিয়ার ক্যা কি জয় বচনী তোর মোর মন মানে জন কাপুর বল বল যাও রমৈয়া কারণে কারণ কবন বহুত জনম বহুত জনম বিছরে থে মাধো এহ জনম তোমারে লেখে কহ রবিদা আস লগ জিমো চির ভয় দর্শন দেখে রাম গোসাইয়া জিতে তেরা
संगत पाच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म को बाती कर्म कुटलता जन्म को मेरी संगत पाच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म कुमाती कर्म कुटलता जन्म कुमाती राम गुसैया मेरी हरो विपत चंद करो सुभाई चरण ना चाटो शरीर कल जाई चरण ना चाटो शरीर कल Yeah.
राम गुसिया टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गति Yeah.
टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गति मांगना मांगन नीका हर जस गुरते मांगना चांदना चांदन नीका चांदना चांदन आंगन प्रभ जी अंतर चांदना आराधना आराधन नीका हर हर नाम आराधना ते साध संगत अखीरली तुक विच महाराज कहिंदे इह बिद तिसै प्राप्ते जां कै मस्तक भाग ना कहो नानक ते सब किछ नीका जो प्रभ की सरनागना। महाराज कहिंदे जिहड़ा सतगुरु जी तेरी शरण विच चल के आ गया कहो नानक ते सब किछ नीका। नीका कहिंदे ने चंगे नूं, उहदे वास्ते सब कुछ ही महाराज कहिंदे चंगा बन जांदा। फिर जिहड़ा सतगुरु की शरण दे विच आ गया ते आ के झुक गया ते अपने गुनाहां नूं कबूल कर लिया। चरण सरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है। साध संगत जी भावना करके एक कदम भी चल के सतगुरु जी वल आईए ते कहिंदे सतगुरु अग्यों करोड़ां कदम लैण अग्यों तुर पैंदे ने, पर सिख किते भावना करके आवे सी सतगुरु दे चरणां विच। जेकर अहंकार दे घोड़े ते चढ़ के आवांगे फिर नहीं झोली विच कुछ भी पैना।
ते सा संगत ऐसी मांग गोबिंद ते टहल संतन की। जे किते सेवा टहल सेवा मिले ते महाराज कहिंदे मैनू तेरे नाम जपण वालियां दी। ये क्यों सतगुरु जी गल आख रहे ने, क्योंकि आप तो सतगुरु जी तो ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोह तारे, वो तो सतगुरु समर्थ ने आप नारायण कला धार ने, पर साडे वर्गे दुनियावी मनुखां नूं समझाउण वास्ते, क्योंकि सतसंग रविदास महाराज जी का शब्द है घट आव घट डूगर घना एक निर्गुण बैल हमार रमैये स्यों एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार को बनजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए। जिहड़ा पापां दा भरिया मेरा ये जिहड़ी पांड एडी मैं गड्ढे ते लद ली ना अपने शरीर रूपी ये जिहड़ा भांडा सतगुरु जी ने बख्शिश किया इहदे विच जो पाप विकार मैं इहदे विच भर लेने हुण किद्दां ये मंजिल तय करांगा। पर महाराज कहिंदे को बनजारो राम को, कोई इहो जिहा संत महापुरख नाम जपण वाला वो मिल जाए तो मेरे सारे पाप जिहड़े कलविख मेरे मैं चढ़ाए ने उन्हां तों मुक्ति मिल सकती है। पर नाम जपण वाला कोई मिल जाए तो अज आपां जो सलाना समागम हुंदा है संत बाबा बिशन सिंह जी उन्हां दी याद नूं मुख रखदियां ये नगर बड़ा भागां वाला है, क्योंकि इत्थों दे जिहड़े इश्तिहार छप के आउंदे ते रागियां कोल पहुँच ही जाते हैं तो बड़े उच्च पद्धर ते एक कीर्तन दरबार करवाउंदे ने हर साल। तो संगत जी उच्च कोटी दे रागी सिंह जा बुला के जिन्हां नूं सिख जगत जाणदा है संगतां दे रूबरू कराउंदे ने, ते सत संगत इस करके बड़े वधिया सुचजे ढंग दे नाल कीर्तन दरबार ये नगर कराउंदा है बहुत भागां वाले हो। सो सारा नगर ही बड़ा सूझवान है, इत्थों दे सूझवान रागी सिंह साढ़े सत्कारयोग भाई साहब भाई रेशम सिंह जी तिनां दे सपुत्र जिन्हां ने आप जी नूं हुणे कीर्तन द्वारा निहाल किया है, साढ़े परम मित्र भाई गुरप्रीत सिंह जी जिन्हां दे नगर दे नाल ही जाने जाते हैं कंधाला जट्टां वाले, ते सत संगत होर भी प्रमुख शख्सियतां साढ़े सत्कारयोग भाई जसविंदर सिंह जी धुग्गा जदों घरों चलन लगे तो दास दे पिता जी मैनूं पुछण लगे कि संत बाबा हरचरण सिंह जी खालसा उन्हां दे समागम विच चलिओ चले आपां उधर नूं चले, मैं कहा नहीं ये महापुरखां दा समागम नहीं ये नगर दा समागम है। पर नाल ही मेरे मन दे मैनूं आवाज़ दित्ती कि जे इधर असीं इलाके च जानण लगे हाँ तो महापुरखां करके जानण लगे हाँ। संत बाबा हरचरण सिंह जी खालसा रमदासपुर वाले कोई मेरे बहुत दसण दी लोड़ नहीं, आप सारे भली भांत जाण दिओ। तो जिन्हां संतां नाल महापुरखां नाल मेल कराउण वाले विचोले बने वह भी अज विच संगत दे विच विराजमान ने, भाई साहब भाई साढ़े सत्कारयोग भाई गुरबख्श सिंह जी साढ़े पिता समान ने, ते संत बाबा हरकृष्ण सिंह सोढ़ी उन्हां दे सपुत्र, ते सारियां संगतां ही सारा नगर बहुत सूझवान है। एक धारण बोल के क्योंकि आप जी सार संगत बहुत प्यार बख्शिश कर दे साडे जथे नूं, ते खास करके साढ़े वड्डे भाई साहब भाई संदीप सिंह जी नूं जिन्हां दी एक वक्खरी पछाण सतगुरु ने बनाई है, दास नालों भी ज़्यादा पुछ गिछ जिथे जाईदा इन्हां दी हुंदी है क्योंकि सतगुरु ने गुण दिता है बहुत। तो आओ संगत जी एक धारण पढ़ के, वो घड़ी सुलखणी है जिस दिन वाहेगुरु चित आवे, आओ मिल करके आप सारिया ने गायन करनी है। मनीले साध संगत दास भी रहे हैं ते भाई साहब भाई गुरमुख सिंह जी वो भी इस इलाके की शान। हाँ जी हाँ महापुरखा दे हजूरी रागी भी रहे ने इत्थे भी सेवा कीती है, ते रामपुर खेड़ा साहब भी पूरे जत्थे ने भाई रेशम सिंह जी तबले ते भाई गुरबख्श सिंह जी साइड ते ते भाई गुरमुख सिंह जी जदों आवाज़ा बजाउंदे हुण भी राग विद्या च बड़ी सतगुरां दी उन्हां ते कृपा सुणदे होणगे आवाज़ पहुँचदी होवेगी। सो सारा नगर ही बड़ा सूझवान चढ़दी कला वाला भागां वाला है, आओ मिल करके गायन करिए। ओ घड़ी सुलखणी जिस दिन वाहे गुरु चित आवे, घड़ी सुलखणी जिस दिन वाहे गुरु चित आवे,
करो कृपा। गुरु चित आवे कहि सुलखणी ए, जिस दिन वाहे गुरु चित आवे कहि सुलखणी ए, जिस दिन वाहे गुरु चित आवे कहि सुलखणी ए, जिस दिन वाहे गुरु चित आवे। जपो जी वाहेगुरु चित आवे घड़ी सुलखणी ए, जिस दिन वाहेगुरु चित आवे, जिस दिन वाहेगुरु चित आवे, जिस दिन वाहेगुरु चित आवे। आवे घड़ी सुलखणी ए, जिस दिन वाहे गुरु चित आवे। कबीर एक घड़ी आदि घरी आदि उमते आ, भगतन से ती दोस्ते जो किनो सोला। नाम के व्यापारी, नाम के व्यापारी हर के नाम के व्यापारी, नाम के व्यापारी, नाम के व्यापारी हर के नाम के व्यापारी। किन्नी ही बन गया कांसी तांबा, किन्नी ही लौंग सुपारी, वाहे गुरु करो करो। वाहे गुरु, 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 घड़ी सुलखणी ए, जिस दिन वाहे गुरु चित आवे, घड़ी सुलखणी ए, जिस दिन वाहे गुरु चित आवे, घड़ी सुलखणी ए, जिस दिन वाहे गुरु चित आवे, सुलखणी ए, जिस दिन वाहे गुरु चित आवे।
घड़ी सुलखणी है जिस दिन वाहिगुरु चित आवे। साध संगत ओ समा लेखे विच लग जांदा है जे किते कबीर साहब जी कहिंदे ने सुपने हुं बुरड़ाए कै जय मुक्ष निकसै राम तां के पग की पन ही मेरे तन को चाम। किते उबड़वाए सुपने दे विच ही कहिंदे मूंह दे विचों किसे मुख चों राम निकल जावे ते महाराज कहिंदे उहदे पैरां दे पौण वास्ते मेरे तन दी जुत्ती बन जावे मेरे तन को चाम। ते साध संगत सोई मुख धन है कबीर सोई मुख धन है जा मुख कही है राम देही किसकी वापरी पवित्र होए गो ग्राम। ओ कहिंदे ओ आप तां उहनें जाणा ही आ स्वर्गपुरी नूं साध संगत सचखंड नूं चरण कमल की मौज मैरा है साध संगत ते कहिंदे ओ नगर सारे दा सारा ही पवित्र हो जांदा है। ते इस करके साध संगत तुसीं भागां वाले गिर गिर मैं माणक नहीं गज गज मोती नाहे बन बन तर चंद नहीं संतना पुरपुर माहे। हर नगर विच संत महापुरख नहीं होंदे इस करके बहुत वड्डे भागा वाले। आओ सत संगत जिहड़े वीर चाह छकारे सन ना जिहड़े मैंबर कमेटी मैंबर उन्हां वल्लों भी हुक्म ते साडे वीर भाई गुरप्रीत सिंह जी भाई जसविंदर सिंह जी धुग्गा जी गुरबख्श सिंह अंकल होणा वल्लों सारिआं वल्लों हुक्म सी कि वारां सुणाओ कि हाँ जी गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का आगमन पुरब आ रहा है प्यार नाल ए वार सरवण करो जी। ए सीस झुकावां मैं तेरे हजूर नानक बण जे जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। प्रार्थन रागी भाई गोपाल सिंह जी उन्हां दी ए गायन कीती ते लिखी हुई है कविता। बाहरी नेत्र नहीं सन पर अंतर आत्मे इन्ने क जागे हुए सन कि ए वराग दे मोह बोल हुण भी किते संगत च बोलीए ना ते संगतां अश अश कर उठदियां ते नाल बोलदियां ने आप मुहारे। सो आओ सारी संगत आपां रल मिल के ये गायन करना है ये सीस झुकावां मैं तेरे हजूर नानक बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर नानक। गुरु नानक दी सिफत ना लिखी जावे सत्ता सागरां दी पावे शाही होवे मात लोक ते दिसन भी दरख्त जिन्ने सारियां दी कलम बनाई होवे अरश फरश भावे बन जान कागज एना उत्ते ना पूरी लिखाई होवे जसर पूरी ना गुरु दी सिफत मुके जीदी रब ने सिफत कराई होवे। एह सीस झुकावां मैं एह सीस झुकावां मैं तेरी हजूर नानक ਇਹ
जैसे अमृत सरोवर विच फिर टुपिया मारा मैं। जेडे प्यार वाले बोल तुहाडे वल्लों हुक्म होया है साडा अल्लाह भी है ओही साडा राम भी है ओही असी प्रेम दे कंडे ते रब नू है तोलना तेरे कहण ते असी नी अल्लाह अल्लाह बोलना। आओ प्रेम नाल सरवण करियो जी। साडा अल्लाह भी है ओही साडा राम भी है ओही साडा अल्लाह भी है ओही साडा राम भी है ओही असी प्रेम दे कंडे ते रब नू है तोलना तेरे कहण ते असी नहीं अल्लाह अल्लाह बोलना जा तेरे कहण ते असी नहीं अल्लाह अल्लाह बोलना। साडा अल्लाह भी है ओही साडा राम भी है ओही साडा अल्लाह भी है ओही साडा राम भी है ओही असी प्रेम दे कंडे ते रब नू है तोलना तेरे कहण ते असी नहीं अल्लाह अल्लाह बोलना जा ਅੰਨੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵੱਜ ਕੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਸਭ ਜਿਸਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੱਜ ਕੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵੱਜ ਕੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖੋਲਣਾ ਪਾਗ ਮੈਲ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਪਾਗ ਮੈਲ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਐਵੇਂ ਖੜੀ ਮੁੜੀ ਲਾਲ ਚਾਂਦ ਖੋਲ ਨਾ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇਰੇ
राजभाग मैल असी ठोकरा ते मारे, तेरे राजभाग मैल असी ठोकरा ते मारे, तेरे जहानू असी ता पैरा विच रोलना, तेरे कहण ते असी अल्लाह अल्लाह बोलना जा, तेरे कहण ते असी नहीं अल्लाह अल्लाह बोलना जा, तेरे कहण ते असी नहीं अल्लाह अल्लाह बोलना जा, तेरे कहण ते असी नहीं अल्लाह अल्लाह बोलना। तेरे कहण ते असी नहीं अल्लाह अल्लाह बोलना। तीन चार मिनट का समा हो रहा साध संगत जी, जो एक वार का हुक्म होर होया सी, कली कली गोली का हिसाब लेना तेरे तो भुल गई है शायद ये गल सरकारे, अज तक सिंह ना किसी दे कोलों हारे, मौत का पैगाम पढ़ बबरां दे चेहरे तो, कली कली गोली का हिसाब लेना तेरे तो। संगत जी पुरातन समय की गल लाइए तां वी, ते जे अजोके समय की हुण दी वर्तमान समय की गल लाइए ते तां वी, ये जिहड़े ये बिल पास हो रहे ने साध संगत, ये भी तो गोली वांगू ही ने, ये कड़ा गोली नालों घट ने। ते जे संघर्ष विड़िया हुणे वीर जी हुणी बोल के गए बड़ा प्यारा, बेशक साडा संबंध किसानी नाल वैसे नहीं रोजगार करके, पर साध संगत जिन्हां दे घरां च असी प्रोग्राम करन जाईदा है, जिन्हां दे नाल साडी सांझ है मित्रता है, वो वीर इस वेले जूझ रहे ने, ते साडा भी फर्ज बणदा। देखो मोर्चियां ते जाके ढाडी सिंह जाके दीवान सजाउंदे ने, क्योंकि प्रचारक दा काम हुंदा है सच नूं सामने लैके आउणा। ते हुण इसे तरह जिवें बहुता विख्यान दा लैक्चर दा समां नहीं, मैं गल नूं संखेप करां। साध संगत 2 तरीक लंघ के गई हुण पिछे, 2 अक्तूबर गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी का उदन आगमन पुरब आ गया, तो लोग उस तरीके दे नाल उस शहीदी दिहाड़े नूं नहीं मना सके जिवें मनाने हुंदे आपां, क्योंकि ध्यान उधर हो गया ना अपना। चलो सतगुरां दा आगमन दिहाड़ा भी मनाउणा, ते रामदासपुर महापुरखां ने वह दिन मनाया 2 तरीक नूं, शहीदां सिंघां नूं याद कीता। संगत जी शहीद सतवंत सिंह जी, भाई बेअंत सिंह जी, भाई केर सिंह जी, ते साध संगत वो गल उन्होंने सच करके दिखा दिती जिहड़ी सहुं खाधी सी ना गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे अकाल तख्त साहिब वाल हाथ करके भाई बेअंत सिंह जी ने, कि सच्चे पातशाह मैनूं बल बख्शिश करियो। उस उपरांत भाई सतवंत सिंह जी भी कुछ समा बाद वो उत्थे आके अरदास बेनती करके सहुं खा के गए कि सच्चे पातशाह सानू बल बख्श करियो, ये टठे अकाल तख्त दा सी बदला लै सकीए। आओ साध संगत प्रेम दे नाल वार सरवण करिए। टठे तख्त अकाल वल कर खड़ियां बावां, कहिंदा छेवें पातशाह सौ तेरी खावां, जिना ढाया तेरे तख्त नूं मैं दिया ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੇ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪੜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ।
चुकिया सी हाथ ना चुक देना पपने जे चुक दी तू अतना चुक देना पपने जे चुक दी तू अतना चुक देना पपने जे चुक दी तू अतना आलसी ने आज तक चुकिया सी हाथ ना चुक देना पपने जे चुक दी तू अतना चुक देना पपने जे चुक दी तू अतना चुक देना पपने जे चुक दी तू अतना करड़ी परीखिया तू लई साडे जेरे तो कली गोली दा कली कली गोली दा हिसाब लेना तेरे तो कली कली गोली दा हिसाब लेना तेरे तो खालसे ने जीदे लई सी खून कदे डोलिया तेरियां सिपाइयां ओनू बूटा हेठ रोलिया तेरियां सिपाइयां ओनू बूटा हेठ रोलिया तेरियां सिपाइयां ओनू बूटा हेठ रोलिया खालसे ने जीदे लई सी खून कदे डोलिया तेरियां सिपाइयां ओनू बूटा हेठ रोलिया तेरियां सिपाइयां ओनू बूटा हेठ रोलिया तेरियां सिपाइयां ओनू बूटा हेठ रोलिया घेर लिया प्यारा हर मंदिर च फेरे तो कली कली गोली दा होइया सुनिया धीया भैन दियाँ उथे रोलतिया चुनिया धीया भैन दियाँ उथे रोलतिया चुनिया धीया भैन दियाँ उथे रोलतिया चुनिया होए कई यतीम कई कुठा होइया सुनिया धीया भैन दियाँ उथे रोलतिया चुनिया धीया भैन दियाँ उथे रोलतिया चुनिया धीया भैन दियाँ उथे रोलतिया चुनिया किता जेड़ा हाल जावे दसिया ना मेरे तो कली कली गोली दा छतरियां वाले आओ मुट्ठी भर सिंह सी छतरियां वाले आओ मुट्ठी भर सिंह सी छतरियां वाले आओ मुट्ठी भर सिंह सी बाते टंका नाल चढ़िया आया हिंद सी छतरियां वाले आओ मुट्ठी भर सिंह सी छतरियां वाले आओ मुट्ठी भर सिंह सी छतरियां वाले आओ मुट्ठी भर सिंह सी एकदा ना खालसा मुकाया कदे घेरे तो कली कली गोली दा कली कली गोली दा हिसाब लेना तेरे तो 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 टैंकां ते तोपां नाल चढ़ आया हिंद सी झतरियां वालिया मुठ्ठी भर सिंह सी मुकदा मुकाया मुकदा ना मुकदा मुकाया कदे घेरे तो कली कली गोली दा हिसाब लेना तेरे तो साध संगत जी सतगुरु जी बाल बख्श करन ये जिहड़े संघर्ष विढ़े गए ने क्योंकि किसान पहला वर्गा हुण भोला नहीं रह गया कि जिवें कोई उंगल ला के लै जाए तो उवें हो जाएगा अज का किसान पढ़िया लिखिया है सारी गल समझदा है तो साध संगत होर भी इधर नूं ध्यान दईए गुरसिखी वल भी क्योंकि जद बाणी बाणे विच पूरे होवांगे ना फिर साध संगत पुछया गया सी ना जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर तो पहला जिन्हें भी शहीद किए गए 700 सिंह जिहड़ा शहीद किया गया तो रोज़ 100 शहीद करते सन तो एक सिंह विचों कहण लगा वो जलाद नूं कहण लगा मैं एक गल आखा कहिंदे लगदा मन चलिया कहिंदा भी मैं बेनती करनी भी मनोगे तुसीं
कहिंदे हाँ हाँ जरूर मन्नांगे, तुसी दसो छेती दसो किहड़ी गल है। कहिंदा जे मन्नोगे मेरी गल ते मैं तुहानूं इह कहिंदा कि तुसी अपना समां वी वक्त खराब ना करो, बार बार ना पुछो साडे कोलों, जिहड़ा गा साडा इक बयान है उही रहना, असी नहीं डोलना नहीं बदलना। असी ते साध संगत वह बाणी बाणे दे विच पूरे परपक सन, इस करके अज भी सानू सतगुरु जी असी इस तों दूर ना जाइए, क्योंकि प्रचार भी बड़ा कूड़दा हो रहा है। थोड़े दिन पहला गुरु रामदास महाराज के प्रकाश पुरब से भाई पिंदरपाल जी ने कथा करदिया बड़ा सोहना कहिंदे वाद करिए ते विवाद ना करिए, जे कोई मसले ने साडे बह के आपां गलबात कर लीए, ते असी विवाद चों झूठे झगड़े च क्यों पैने, जो कोई इशनान करदा ते करी जावे असी उहनूं कहिंदे वी तूं इशनान करदा तेरे पल्ले कुछ पिया, पहलों असी अपने अंदर झाती मारीए साडे कुछ पिया कि नहीं, जां साडी भावना ही उह नहीं, की पता अगला किन्नी क भावना लैके आया होवे। असी बेवजह दे विवाद खड़े करके बैठे हाँ पंथ दे विच, इस करके सतगुरु जी इन्हां तों सानूं दूर करके ते चरणां नाल जोड़ के अपनी प्रीति बख्श करन। बोलदिया कोलों एक नहीं अनेकां ही भुल्लां चुकां गुरु महाराज संगत बख्शण योग है, तुसीं दुबारा दुबारा माया करके भी सत्कार किया है, सब दे बहुत धनवादी हाँ भुल्लां चुकां की खिमा। गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।